Hi everyone, welcome back to my channel. And this particular video is all about the foundation. कि अगर आपने दो पॉइंट्स हैं, अगर आपने गलत टोन का फाउंडेशन खरीद लिया है या आपने आपके स्किन से ज्यादा डीपर स्किन टोन का फाउंडेशन खरीद लिया है तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज यू नो एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सामान खरीद लो और सामान रिप्लेसेबल हो जाए. समटाइम्स इट्स नॉट रिप्लेसेबल ड्यू टू वेरियस रीजन्स, कुछ भी रीजन्स हो सकते हैं. सो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैसा भी हो, प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली अगर हम अच्छे से देख के खरीदते हैं तो प्रोडक्ट तो अच्छा ही होता है. बट हाँ, स्किन टोन का क्या करें. अगर आप लाइटर स्किन टोन के हो और प्रोडक्ट डार्कर स्किन टोन का आपने ले लिया है गलती से, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड ये वीडियो है. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग से स्टार्ट करेंगे. क्लेंजिंग मैंने ऑलरेडी कर लिया है विद माय फेवरेट चारकोल फेस वॉश. एंड टोनर के लिए आई एम यूजिंग गुड वाइब्स रोज ग्लो टोनर. पोर्स का इश्यू अगर है भी तो भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं भी अगर इश्यू है पोर्स का देन ऑल्सो यू कैन यूज इट. एंड मॉइस्चराइजिंग आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज आई एम नॉट हैविंग टू यू नो ड्राई स्किन. और जहां तक जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आपको कोई टोन डिफरेंस है या यू नो आपने कोई गलत प्रोडक्ट बाय कर लिया है, द सेम थिंग आई एम डूइंग इट. ये ओलिविया का प्रोडक्ट है और ओलिविया के मेरे पास पैन स्टिक्स भी हैं. ओलिविया इज अ वेरी गुड ब्रांड गाइस. यस, वी गेट द प्रोडक्ट एट अ चीपर रेंज, मतलब 100-120 में इसके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. बट इस प्रोडक्ट का जो यू नो बेस मेकअप है और आई लाइनर है और देर आर मेनी अदर स्टफ्स, बहुत अच्छा है, फुल कवरेज है. बट मेरे से मिस्टेक ये हो गई कि मैंने यू नो शेड देखा नहीं एंड आई थॉट कि मैंने जो ये शेड मंगाया है दैट इज सैटिन आइवरी, इट विल गो विद माय कॉम्प्लेक्शन. बट ये नहीं जा रहा है, इट इज अ लिटिल बिट डार्क. मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इसका एक स्वॉच मैं दिखा देती हूँ. सी, इट्स डार्क और ये मेरे स्किन कॉम्प्लेक्शन से मैच नहीं कर रहा है. सो अब मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू बाय अ यू नो अ रॉन्ग शेड, या आप गलती से खरीद लेते हैं या यू नो गलत ऑर्डर हो जाता है, या आप शॉप में जाके आप खरीद तो लेते हैं क्योंकि वहां पे शॉप में आपको लगता है कि नहीं ये मेरे शेड से मैच करेगा, लेकिन जब आप घर आके ट्राई करते हैं तो उफ, द इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, यू फील लाइक दैट. तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है. हम आपसे डार्कर अगर आपका स्किन टोन का आपने फाउंडेशन ले लिया है तो उसको आप कैसे अपने स्किन टोन के हिसाब से कर सकते हैं, हम उस स्टेप्स के बारे में बात करेंगे. सो स्टेप नंबर वन इज दैट, सबसे पहले आपको अपने फाउंडेशन, मैंने हाथ में ले लिया है, आपको फाउंडेशन का टोन देखना है. ठीक है, सपोज दिस फाउंडेशन इज अकॉर्डिंग टू योर टोन, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है. थोड़ा डार्कर स्किन टोन है तो ठीक है, आप उसको लाइटर कर सकते हैं. बट अगर आपके टोन से मैच नहीं करता है वो फाउंडेशन और फाउंडेशन डार्क भी है, देन यूज अ येलो अंडरटोन कंसीलर गाइस. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अ येलो अंडरटोन कंसीलर. सो मैं यही ओलिविया का कंसीलर ले लूंगी विच इज 07 लाइनिंग येलो और इट्स प्योर येलो. और इस पूरे येलो को मैं अपने फेस में लगा लूंगी. आप चाहे तो फाउंडेशन के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बट मिक्स एंड मैच मतलब यू नो ब्लेंडेड अप करके फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट बेटर यही रहेगा क्योंकि ये थोड़ा सा क्रीमी है. तो आप सबसे पहले फाउंडेशन को अपने यू नो येलो अंडरटोन को अपने स्किन में इस तरीके से यू जस्ट एड इट अप इन ऑर्डर टू यू नो न्यूट्रलाइज द स्किन टोन. मतलब जो अंडरटोन, क्योंकि आपका पिंक अंडरटोन नहीं है, आपका येलो अंडरटोन है, तो जो पिंक अंडरटोन के फाउंडेशन है उसमें येलो अंडरटोन मिक्स करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द फाउंडेशन. मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंडेड अप यू नो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. कोई भी आप जो भी बेस लगाएं उसको ब्लेंड करना बहुत जरूरी है. भले ही मैं हैंड फिंगर्स का यूज करती हूँ बट स्टिल इट हैज टू गेट ब्लेंडेड अप. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप फाउंडेशन को अपने हाथ में लें. जितना क्वांटिटी का फाउंडेशन है, मतलब आपको जितना अप्लाई करना है उतना आप हाथ में लें, थोड़ा थोड़ा भी आप ले सकते हैं, यू नो बिल्ड, यू कैन बिल्ड इट अप. सो अब मैंने फाउंडेशन ले लिया है अपने हाथ में. सेकेंड स्टेप इज दैट यू कैन एड यू नो अ फेयर टोन कंसीलर टू योर फाउंडेशन.
जैसे ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है मेरे पास, ये काफी फेयर टोन का, मतलब लाइट टोन का है, तो आप चाहें तो ये कंसीलर और ये फाउंडेशन आप मिक्स करके अपना स्किन टोन बना सकते हैं, दैट इज ऑफ लाइटर शेड. और स्टेप नंबर 3 इज दैट एक फेयरर टोन का फाउंडेशन, एक डार्कर टोन के फाउंडेशन प्लस, ये तो ऑलरेडी डार्क है ठीक है, तो इसके साथ हम एक 2-3 ड्रॉप्स फेयरर टोन का फाउंडेशन हम मिक्स करेंगे विच इज लाइटर टोन ठीक है. फिर उसके बाद हम इस फाउंडेशन को अपने ओरिजिनल फाउंडेशन से मिक्स कर लेंगे. आई एम डूइंग इट, मैं बिल्कुल आपके सामने ही मिक्स कर रही हूं. अब देखो थोड़ा थोड़ा मैं मिक्स कर रही हूं और ग्रेजुअली आप मिक्सिंग करने के बाद उसको और लाइटर भी कर सकते हैं और डार्कर भी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन अप्लाई इट. अप सी, अब ये एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन का फाउंडेशन है. इनफैक्ट थोड़ा सा लाइट ही है बट डेफिनेटली इट विल गेट ऑक्सीडाइज आफ्टर एप्लीकेशन, क्योंकि होता ये है कि जो फाउंडेशन होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन होता है. फाउंडेशन मैंने अपने पूरे फेस में अप्लाई कर दिया है. वन मोर थिंग गाइज, जो बिगनर्स हैं या जिनको एक यू नो सस्ता फाउंडेशन चाहिए लेकिन कवरेज अच्छी होनी चाहिए, वो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर ओलिविया. वो तो मैंने गलत स्किन टोन का फाउंडेशन मंगा लिया, अदरवाइज इसका कवरेज बहुत अच्छा है गाइज. आप चाहें तो यू नो स्टिक के फाउंडेशन भी, इसके स्टिक जो आता है कंसीलर स्टिक के अलावा नेचुरल टोन्स में भी इसके फाउंडेशन आते हैं और काफी मतलब शेड वेरिएशन में इसके फाउंडेशन आते हैं, तो यू कैन अप्लाई दैट अप. और आप खुद देख सकते हैं द कवरेज, इट्स गिविंग अ फुल कवरेज. एंड दिस फाउंडेशन कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज, 100 to 110 रुपीज, और इतने कम यू नो कॉस्ट में आपको एक फुल कवरेज फाउंडेशन मिल रहा है, दैट इज आई वुड से अ थम्स अप फॉर द ब्रांड. और इसका कंसीलर भी लाजवाब है और इसका फाउंडेशन भी लाजवाब है. आई अंडरस्टैंड कि मैंने क्योंकि दूसरा फाउंडेशन इसमें मिक्स किया है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका कवरेज है, बट नहीं, इसका सिंगल कवरेज सिंगल कोट भी बहुत अच्छा खासा और बहुत यू नो फुल कवरेज है. आपके जो भी डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन मार्क्स या जो भी होगा, इट्स लाइक अ टॉप ब्रांड, एंड आई विल गिव अ थम्स अप फॉर दिस ओलिविया फाउंडेशन एज वेल. सो नेक्स्ट स्टेप इज दैट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसल्यूसेंट पाउडर. चलो आपके पास कंसीलर भी नहीं है, आपके पास येलो अंडरटोन का कंसीलर भी नहीं है, नेचुरल अंडरटोन का कंसीलर भी नहीं है, कुछ नहीं है, बट आपके पास कॉम्पैक्ट है. सो आई हैव दिस ओलिविया का कॉम्पैक्ट. तो अगर आपका फाउंडेशन गलत टोन का, मतलब आपने गलत अप्लाई कर लिया है ठीक है, बहुत डार्कर अप्लाई कर लिया है, वो आपका शेड रेंज है ही नहीं, तब उस केस में हम क्या करेंगे, आपके टोन का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर या आपके टोन का जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर है आप लेंगे, एंड यू विल जस्ट अप्लाई इट अप ऑन योर फेस. मैं ब्रश से अप्लाई कर ले रही हूं. उससे ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से और या कॉम्पैक्ट पाउडर से आपने अगर गलत अंडरटोन का या यू नो गलत आई वुड से फाउंडेशन लगा दिया है किसी क्लाइंट पे या अपने फेस पे, तो आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते हो. ये सब इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स करने की जरूरत भी नहीं है, बट और आपके पास टाइम भी नहीं है, तो आप उस केस में क्या करोगे, तब आप ये प्रोसीजर आप ट्राई कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा. सो चलो लुक को कंप्लीट भी कर लेते हैं. लेट्स क्रिएट समथिंग स्मोकी आई लुक. तो मैंने ADS का पैलेट ले लिया है, सो यू नो वन ऑफ माय फेवरेट पैलेट्स, क्योंकि इसमें न्यूड कलर्स भी हैं, ऊपर सारे यू नो मैट शेड्स हैं और नीचे सारे शिमर शेड्स हैं. सो थोड़ा सा सिल्वरी टाइप्स का लुक क्रिएट करते हैं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगी, आई विल मेक द लुक लिटिल बिट सिंपल. तो पहले मैंने यही थोड़ा डार्क शेड ले लिया है फॉर द क्रीज लाइन. सिंस आई एम हैविंग हुडेड आईज, तो मैं थोड़ा ऊपर से ही, क्रीज के थोड़ा ऊपर से ही मार्क करूंगी इन ऑर्डर टू गिव अ डिफाइंड लुक. सो दिस इज माई फाइनल लुक गाइज. और मैंने ब्लू कलर का नीचे अंडर आई में लाइनर लगाया है फ्रॉम लैक्यू ब्यूटी, और ये स्केच लाइनर है, इट्स वेरी गुड. And people, those who are searching for a sketch liner, they can go for it. Or lipstick I have applied from Swiss Beauty, red color lipstick.
एंड जो ऊपर ब्लैक कलर का मैंने आईलाइनर लगाया आई हैव यूज्ड इट फ्रॉम L18. सो ऑन द होल अगर देखा जाए सो आई विल गिव अ थम्स अप फॉर द ओलिविया ब्रांड एंड आई विल रिकमेंड इट टू द अदर गर्ल्स ऑल्सो कि वो चाहे तो एक सस्ते ब्रांड पे भी जा सकते हैं बट क्योंकि इस सस्ते ब्रांड में कवरेज भी बहुत अच्छा है. सो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले और बेल बटन को भी हिट कर दे ताकि आगे मैं जो भी वीडियोस डालू आपको उन सबके नोटिफिकेशन मिलते रहे. सो सी यू बाय बाय एंड टेक केयर एंड यस स्टे ट्यून फॉर द अदर वीडियोज़.